मैंने नवाबी पनीर बनाया है, ये तो बाजार वाला वो पनीर है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हो बना के। और उसको थोड़ा मसल लीजिए पहले फाइन करके, फिर उसके बाद जो है भुना हुआ जीरा और सूखी मिर्च ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ है, वही मसाला दिया है, और उसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्च काट के और थोड़ा नमक अपने हिसाब से डाल के, और ये मैंने घर में चिली फ्लेक्स बनाया हुआ है, ये मैं जो हर मिर्च सूख जाता है उसको मैं ग्राइंड करके रख देती हूँ, तो वही चिली फ्लेक्स भी डाला टेस्ट के लिए। और इसको पहले गोल गोल बना लीजिए, इसको थोड़ा दबा के बनाना पड़ता है क्योंकि ये फ्राई करते समय टूट जाता है। अब पैन गरम करके उसमें थोड़ा घी डाला और इसमें मैंने ये पनीर डाल दिया, उसको थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे, उसको थोड़ा रेड होने तक। हो गया, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं करना है। थोड़ा काजू और चार मगज और थोड़ा सा गरम मसाला जो मैं रोस्ट करके रखती हूँ वो, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और दही, खट्टी दही उसमें डाल के मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया। उसके बाद इसको पेस्ट बनाना है, बन गया। उसको उसी उसी पैन में ही उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर, दूध में थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के घोल के, मैं अगर क्रीम रहे तो आप क्रीम डालिए, अगर क्रीम ना अवेलेबल हो तो मिल्क पाउडर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट मीठा तो डालना पड़ता है उसी में। आप पनीर डाल दीजिए, अब ज़्यादा नहीं काम है, ये थोड़ा इधर उधर उलट पुलट करके आप गैस ऑफ कर दीजिए, अपने आप सोख कर लेता है। इसमें मैंने प्लेटिंग नवाबी पनीर बहुत टेस्टी बनता है, आप बना कर देखिए आपको अच्छा लगेगा। इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तामझाम। धन्यवाद।